नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं संगीता गुप्ता आपके लिए लेके आ रही हूँ अप्रैल मंथ के लिए एरीज और मेष राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। तो आपका अप्रैल कैसा रहने वाला है, तो हम कार्ड्स पिक करेंगे और कार्ड्स आपका बताएंगे कि अप्रैल वालों के लिए कैसा रहेगा ये। तो जो मैं देख पा रही हूँ वो यह है कि पीछे आपने बहुत मेहनत करी है और आपका समय बहुत स्ट्रेसफुल बीता है, और जो भी मेहनत आपने करी है अपने वर्क से रिलेटेड उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आपको लग रहा है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। जितना भी काम आपने किया है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, एंड यू आर फीलिंग कि आप बिल्कुल जैसे कि सेक्रीफाइस करे जा रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन और हैरेस फील कर रहे हैं आप। तो ये आने वाला टाइम जो है अप्रैल का थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोगों ने सावधानी बरतनी है। ज़्यादा आपने लोगों से झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, स्पेशली जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, सर्विस क्लास हैं, अपने बॉस से पंगे नहीं लेने हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस वीक के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ फिरोज़ा ब्लू कलर का स्टोन होता है, जो आप वियर कर सकते हैं एरीज वाले, वो उनके लिए शुभ रहेगा, उनकी काम की अभिव्यक्ति में बेटर रहेगा। तो थिंग्स विल स्टार्ट शोइंग अप आफ्टर मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप ये प्रिकॉशन लेके चलें अपने वर्क एरिया में कि आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो यू मस्ट से नो टू सच पीपल। आप स्ट्रेट टॉकिंग करेंगे उनसे, आप जो है ये नहीं कि कोई आपसे काम लिए जा रहा है तो आप बिल्कुल नो नहीं करेंगे। आपको उनको बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए दैट यू आर नॉट बीइंग पेड वेल फॉर द वर्क यू आर डूइंग। आपको काम में जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग, तो आप उनको मना कर सकते हैं। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग का टाइम है, एंड अगर आप दिल्ली बेस्ड हैं तो लुक फॉर NCR, आपको नया जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो यू कैन लीव दिस वर्क एंड गो टू द सम अदर कंपनी, आपको अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। तो अब मैं एरीज वालों के लिए इस मंथ की एंजल रीडिंग करूँगी। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आ गया है। यू आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। तो हम बात कर रहे थे उन लोगों की कि आपको एम्प्लॉयमेंट में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी सोच सकते हैं। एंजल्स आपके लिए बहुत सुंदर, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिकॉज अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो हमें अपने को सेल्फ एम्प्लॉय करना सीखना चाहिए। यही एंजल्स की रीडिंग भी है आपके लिए। तो स्टार्ट थिंकिंग कि आप किस फील्ड में क्रिएटिव हैं, उस फील्ड में आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड एंड इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोचते हैं रादर देन दूसरों के लिए काम करें। तो थैंक यू माई फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट मंथ।